पेट्रोल डीजल की भाव की बढ़त, साथ में शेतकरियों के तीनों काले कानून और कामगार विरोधी कानून जो बनाए गए हैं उसके लिए भारत बंद में विविध संगठनों ने जो बंद पुकारा है आज का, उसके लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उसे पाठिंबा दिया जा रहा है और उस पाठिंबे का निवेदन हम आज औरंगाबाद के सदर डॉक्टर कल्याण काले साहब कोरोना के वजह से आ नहीं पाए तो हमारे साथ माजी शहर अध्यक्ष इब्राहिम भाई पठान, मैं जगन्नाथ काले, हमारे ओबीसी के अध्यक्ष आतिश जी पितड़े, हम सब मिलके अभी कलेक्टर साहब को ये निवेदन देने जा रहे हैं, जिसके जो भी ये केंद्र सरकार ने काले कायदे कानून और जो पेट्रोल डीजल की जो दरवाड़ की है उसका निषेध वो कम करना चाहिए, उसके बंद के खिलाफ जो बंद पुकारा गया है उसे पाठिंबा देने के लिए। और हमारी मांग है कि ये तुरंत इसके ये काले कानून रद्द करना चाहिए, क्योंकि शेतकरियों के 100 से ज़्यादा दिन हो गए लेकिन आज तक उसके बारे में इन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं है, तो तुरंत निर्णय लेना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, गैस की सर पहले कांग्रेस सरकार के प्रेस में 300 में आता था लेकिन अब 800 रुपये हो चुका है, और एक प्रेस में बीजेपी सरकार खुद जो है तो गैस लेकर के रोड पर उतर गई, सिर्फ 50 रुपये पड़े थे, क्या कहेंगे आज 800 रुपये के राज में? ये तो बहुत बड़ी भाव बढ़त कर दी है उन्होंने डीजल, आपने देखे कि गैस के 850 रुपये हो गया है, सभी लोगों को वो ठगा रहे हैं या बना रहे हैं इस तरह के, इसके खिलाफ अभी कांग्रेस पार्टी टाइम टू, अभी कोरोना का काल है नहीं तो इसके लिए बड़ा आंदोलन हमने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और उन्होंने तय किया हुआ है, आगे चल के बड़े से तीव्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार जब कांग्रेस ने थोड़े भी भाव बढ़ाए तो बड़ा चिल्ला पुकारा करती थी, अब आज इन्होंने सत्ता में बैठ गए तो इन्होंने खुद ने वो भाव कम करना चाहिए, कम करने के बजाय उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसके लिए पब्लिक में बड़ा रोष है और निश्चित ही पब्लिक इनको नीचे खींचे सिवा रहेगी नहीं, ये हमारे मानना है। सर, एक आखिरी सवाल, मार्च महीना पूरा जा चुका है, महाराष्ट्र का बजट आपको भी पता है, गरीबों के बारे में सरकार को सोचने लगी, 150 रुपये लेकर निकल दे चुका है, 150 रुपये, हाँ 150 रुपये, जबकि पहले 60 रुपये या 65 रुपये में आता था, किसको जिम्मेदार मानते हैं, गरीब आदमी अपना पेट कैसे भरेगा? अब ये देखिए ना, केंद्र सरकार जब से सत्ता में आया है हर चीज़ की भाव बढ़त होते जा रही है और उन्होंने ये गौर गरीबों के लिए जो है तो ध्यान नहीं दे रहे, जब तो बड़े बताए थे अलग अलग सबने हम एकदम जो है तो महंगाई कम कर देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, अब ये पब्लिक ने जानना चाहिए और जल्द से जल्द आने वाले चुनाव में इनको नीचे खींच के लाना चाहिए, इनके बातों में नहीं आना चाहिए। ये हिंदुस्तान के अंदर जो 3 कानून कृषि के ये हुए और कामगारों के बारे में, अब जैसा बताया आपने कि जैसे 400 रुपये हमारे पास हमारे टाइम में सिलेंडर था, आज 850 होगा, डबल भाव होगा, इसके शेतकरी विरोधी जो कानून इन्होंने पास किए, इन शेतकरियों ने आज बंद है उसको पाठिंबा देने के लिए वो शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के दोनों अध्यक्ष कोरोना महामारी से बीमार है, या अभी हम जगन्नाथ जी काले के नेतृत्व में माजी महाशी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष इब्राहिम पठान या नाम से हम ये निवेदन, निषेध का निवेदन हम दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, कलेक्टर को आगाह करने वाले हैं कि भाई ये तीनों कानून रद्द हो जाए और इस भाव बाढ़ पेट्रोल और डीजल की और गैस की भाव बाढ़ कम हो जाए, ये हमारा कानून, ये निवेदन हम देने जा रहे हैं। Thank you.
क्या चल चलो।